नगरीय निकाय चुनाव के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने कैंप कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किस तरीके से किया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। अपने नियमित जनता दरबार के दौरान नगरीय निकाय चुनाव के बाद पहली बार करैल रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह यहां पहुंचे। यहां उन्होंने जनता की समस्याओं के लिए जनता दरबार लगाया और बारी बारी से जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री से शिकायत लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कैंप कार्यालय पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग यहां अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे। शिकायतों के निस्तारण के लिए उपजिलाधिकारी सदर नवोदता शर्मा और क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह के साथ शहर कोतवाल प्रदीप सिंगर की मौजूदगी दिखाई दी। वहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यातायात प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की मौजूदगी यहां देखने को मिली थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में जनता अपनी शिकायतों को दर्ज करा रही है। अधिकारी और मंत्री जनता की समस्याओं को सुनने के साथ समस्याओं के निस्तारण की भी कार्रवाई कर रहे हैं। कई समस्याओं के निस्तारण मौके पर ही किए गए और कई समस्याओं के लिए टीमों का गठन किया गया।